पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गिरिम नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मज हुए तिन कुंजा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशम दुनम। सोहम सूर्ति समाप्तम सकल समान निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदम अम्बे परवा अथा है वार पारनी मध्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई ही पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पण शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा जावे शेष 88। उतरे बोझल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा जावे शेष 88। उतरे बोझल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरू विनती करूं दरों चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोहा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देव सुख। जय इब कै सत गुरु मिले सब दुख आँखों रोय। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूं जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है तुम जैसे हमको नाही। तुमरे विसारे क्या बने
मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव वृंच मुनि नारदा तिनके हृदय ना समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज। जो मैं पूत कुपूत हूँ बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नकसिक बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो सुंदर। सूरत करो मम साईया हम हैं भव जल माई। आप ही बह जावांगे जो तुम न पकड़ोगे बाँ। हे बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े। जैसे कागज हज का अब सुजत और निठोरे। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर साहेब कबीर परमेश्वर अल्लाह अकबर परम अक्षर ब्रह्म की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं अपने परम पिता को पहचान कर सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में उपस्थित हुए। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ और धन्य है आपके पूर्व के संस्कार जिस कारण से भगवान प्राप्त हुआ। अब के आप यदि इस मार्ग को ढंग से अपना कर आजीवन निर्वाह कर दोगे आपका अंतिम जीवन है मनुष्य का सदा के लिए सुखी हो जाओगे और सतलोक चले जाओगे जहाँ कभी मृत्यु नहीं कोई रोग नहीं कोई वृद्ध अवस्था नहीं। वहाँ ऐसी ही सृष्टि है जैसी यहाँ पर है। ये डुप्लीकेट है वो ओरिजिनल है। आपके वहाँ भी ऐसे परिवार बनेगा सदा सुखी रहोगे विमानों में चला करोगे। प्रत्येक प्राणी का वहाँ पर अपना इंडिविजुअल विमान है। इंडिविजुअल बड़े बड़े बाग और बड़े बड़ी कोठियाँ हैं और हमारा वही स्वभाव है इस संसार में इस गंदे लोक में अस्थाई सटे में हम उन्हीं भावनाओं से ग्रस्त हैं। उसी सुख को हम यहाँ बनाकर स्थित और स्थिर होना चाहते हैं। ये हमारी भूल है क्योंकि हमें तत्व ज्ञान नहीं मिला। भक्ति ना करके हम अन्य कामों पर कार्यों पर अपना जीवन लगाते हैं कोठी बनाते हैं कई कई प्लाट लेकर के कई कई एकड़ जमीन लेकर के प्रॉपर्टी डीलर बन करके हम यहाँ सुखी और धनी बनना चाहते हैं। ये हमारे तत्व ज्ञान के अभाव की हमारी अज्ञान सोच है। उसके विषय में परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया है पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिने भाई ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजे जम के पड़े जजीरम। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। परमात्मा ने बहुत ही शॉर्ट कट में संक्षिप्त में बुद्धिमान के लिए संदेश और संकेत दिया है।
कि आप जिस कार्य को प्रथम मानकर कर रहे हो कि ज़्यादा धनी बनूं, संसार में मेरी बहुत वैल्यू हो, महिमा हो, मेरी इज्जत बने, किस कारण से? बड़ी कोठी हो, बहुत बड़ा प्लाट हो, कोई फैक्ट्री लगी हो, तब मेरी महिमा बनेगी। परमात्मा कहते नहीं, ये भी भूल से ही आप ऐसी सोच रखते हो। जब आपको तत्व ज्ञान होगा उस समय आपकी ये अज्ञान सोच हटेगी और तत्व ज्ञान के ऊपर आपकी बुद्धि रुकेगी। संकेत दे रहे हैं कि रावण के पास सोने के महल थे, मकान के मकान, और यहीं छोड़कर चला गया और ऐसी दुर्गति से मरा, दुनिया याद रखेगी। कहते भक्ति बिना क्या होत है, ये भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं भाई रावण चलती बार। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोहे, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि इस संसार में जहां आप रह रहे हो ये लोक रहने का नहीं है, ये तो एक सजा काट रहे हो आप, एक कैद है बहुत लंबी चौड़ी इस काल भगवान की। और यहां पर सभी प्राणी अपना दंड भोगने के लिए आए हुए हैं। एक मानव शरीर ऐसा बनाया है परमात्मा ने, दया बख्शी है आपको, और इस काल भगवान को एक ऐसा रोग लगा दिया जिस कारण से ये आपको मनुष्य जीवन अवश्य देगा, अन्यथा ये मनुष्य जीवन भी नहीं देता, क्योंकि ये नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी मेरे लोक को, मेरी कैद को छोड़कर और उस सुख स्थान पर चले जाएं जहाँ पर भगवान रहते हैं। इसलिए इसने सब अज्ञान फैलवा दिया, भगवान का नाम और निशान मिटा दिया, इन बहुत माइनर पावर वाले, थोड़ी शक्ति वाले इन देवों को भगवान सिद्ध करवा दिया। तो उस अज्ञान को हटाने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, और वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से परमेश्वर आए थे, त्रेता में मुनिंदर नाम था मालिक का, और द्वापर के अंदर करुणामय नाम से परमेश्वर इस संसार में प्रगटे थे। जब भी परमात्मा सत्यपुरुष कबीर जी अपने लोक से यहाँ आते हैं एक लीला करने के लिए, वो सह शरीर आते हैं और सह शरीर चले जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा आज से 600 वर्ष पहले लगभग सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह कमल के फूल पर लहर तारा नामक एक तालाब के अंदर कमल के फूल के ऊपर आकर परमात्मा विराजमान हुए थे शिशु रूप में। वहां से उनको नीरू नीमा नाम के जुलाहा उठा ले गए थे, और धीरे धीरे जुलाहों के यहाँ पालन पोषण होने से उनका जाति सूचक नाम जुलाहा कबीर बना। और वो परमात्मा किस उद्देश्य से आते हैं? यथार्थ ज्ञान अपनी आत्माओं को समझाने, बताने, सुनाने के लिए आते हैं। वेदों में प्रमाणित है कि वो परमात्मा सचखंड में, सतलोक में, रित धाम में रहते हैं, वहां से सहशरीर आते हैं गति करके, विद्युत जितनी तीव्रता से वो यहाँ आकर प्रकट हो जाते हैं, और फिर यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, ये वेद बताते हैं, और वो एक कवि की तरह आचरण करते हुए इधर उधर अपने अमृतवाणी का उच्चारण करके ऊंचे स्वर में लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से, साखी और दोहों के माध्यम से अपना ज्ञान स्वयं सुनाते फिरते हैं, जिस कारण से उनको एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त होती है, लेकिन वो परमात्मा होते हैं।
और जिन अच्छी आत्माओं को परमात्मा मिले उन्होंने भी यही गवाही दी है। गुणात्माओं, परमात्मा का पाना बहुत आसान है। अज्ञानता के कारण हमारे धर्म गुरुओं ने इसको बहुत कठिन बना दिया था। हमारे सदग्रंथ बताते हैं सीधा सा मार्ग है, बिल्कुल सिंपल साधारण सा मार्ग है, रास्ता है, साधना है, परमात्मा का नाम जपना है, नाम से मोक्ष होगा। उसकी सहयोगी क्रियाएं हैं ये पांच यज्ञ हैं, ये भी आप करते रहिए। इतना सा काम है, अपना घर गृहस्थ के अंदर भी जैसी जिसकी सेवा भगवान ने दी है, ड्यूटी दी है, उसको भी करते रहिए और आपको सफलता मिलेगी। जब हम महादुखी हो जाते हैं भक्ति ना करके, और हमें जब तक सुख होता है तब तक तो हमारे पुण्य चलते हैं, जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो हम दुखों का पहाड़ झेल रहे होते हैं। तो उस समय चाहे राजा भी क्यों ना हो, वो परमात्मा की ही शरण जाने की सोचता है। उसको मालूम है कि परमात्मा एक परम शक्ति है और वो दुखी को सुखी करता है। और आप यदि पहले ही भगवान की शरण में होगे तो दुख होंगे ही नहीं। जब तक हम कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आते तब तक हमें अपना प्रारब्ध ही प्राप्त होता है, यानी पूर्व जन्म के अच्छे और बुरों का फल ही मिलता है। और जब हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में उनके कृपा पात्र परम संत के माध्यम से आते हैं, फिर पाप कर्म हमें प्रभावित नहीं करते, हमारे केवल पुण्य ही फलते हैं। और प्रारब्ध के अंदर कोई ऐसा बुरा कर्म हमें हानि करने वाला होगा तो वो भी परमात्मा समाप्त कर देते हैं। इसलिए हम भगवान को खोजा करते हैं, इसलिए भगवान की तलाश किया करते थे कि हमें कोई कष्ट ना हो, और भक्ति भी कर रहे हैं और फिर कष्ट जोंके तू आ रहे हैं, तो या तो वो भक्ति ठीक नहीं, वो भगवान पूरा नहीं, या फिर आपकी कोई भक्ति में त्रुटि है। इन तीन कारणों से ही हम दुख उठाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान कराते हैं, और आपका सौभाग्य कि आप तो पहले ही मालिक की शरण में आ गए हो। जब हम परमात्मा की शरण में आ गए तो घर के काम भी पहले से अच्छे होंगे, क्योंकि हम दुखी होकर भगवान से सुख ढूंढने जाते हैं। आप सुख में आ गए या दुख में आ गए तो अब तो दुख होगा ही नहीं, और जो हो भी गा कोई कर्म सख्त होगा, हल्का करके टाल देंगे, परमात्मा के गुणों में ऐसा लिखा है, और वो यहाँ आपको प्राप्त भी होगा। तो इसलिए कहा गया है कि दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहे कोई। भाई सुख में सुमरण किया नहीं फिर दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की अब कौन सुने फरियाद। अब दास बताएगा परमेश्वर की महिमा, जैसे श्री कृष्ण जी ने जो लीला की थी, मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से कटवा कर जीवित कर दिया, तो वो भी लीला भगवान ने की। उदाहरण देता हूं, एक मनियार था, मनियार समझते होंगे, पहले चूड़ी पहनाते थे गांव में बहनों को, मनियार और उसकी पत्नी मनियारी, ये दोनों मनियार और मनियारी का काम किया करते पति पत्नी, सम्मन और नेकी। नेकी पत्नी का नाम था, सम्मन उस भगत का नाम था, और वो परमात्मा के शिष्य थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम शिव था, उसको अपभ्रंश सेऊ कहा करते थे, सेऊ, और सेऊ ही नाम से वो ज़्यादा प्रसिद्ध था। वो लड़का छोटा था, 10-12 वर्ष का, और सभी परमात्मा की भक्ति करते थे, सम्मन और नेकी। जहाँ भी जाते थे चूड़ी पहनाते थे, बहनें इकट्ठी हो जाती थी, उनको अपने गुरुदेव की महिमा सुनाया करते थे कि हमारे गुरुदेव जी स्वयं परमात्मा आए हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे लीला की है कि सिकंदर लोधी राजा को जलन का रोग था, वो कहीं भी स्वस्थ नहीं हो रहा था, सब काजी और मुल्लाओं और
पीरों ने सभी जंतर मंत्र कर लिए थे। भारतवर्ष के सभी सुप्रसिद्ध वेदों ने दवाई दे करके अपनी कोशिश कर ली थी। हिंदू धर्म के ऋषि महर्षि साधु संतों से भी दुआएं मांग ली थी, आशीर्वाद ले लिए थे। और हमारे गुरुदेव जी ने आशीर्वाद मात्र से सिकंदर लोदी राजा दिल्ली के बादशाह का जलन का रोग स्वस्थ कर दिया था, वो स्वस्थ कर दिया था, नाश कर दिया उसका रोग। और सिकंदर लोदी ने, अब थोड़ी सी कथा ये भी सुना देता हूँ, सिकंदर लोदी को जलन का रोग हो गया था। इतना भयंकर रोग था कि उसने सब जगह जंतर मंतर करा के फेल हो लिया था, अंतिम सांस गिने था। मुसलमान तो मानते नहीं नेक्स्ट जीवन, हिंदुओं के ऋषियों ने संतों ने बता दिया था कि महाराज ये आपके पिछले जन्म का पाप है, ये तो भोगना ही पड़ेगा, आपके प्रारब्ध में लिखा। अब उसने कोई चारा था नहीं, अंतिम उस रोग को लिए हुए जी रहा था, ना कुछ खा रहा था ना पी रहा था। किसी ने आकर उसको बता दिया कि बनारस के अंदर एक संत हैं और कबीर नाम है उनका, और जुलाहे के घर उनका जन्म है। उन्होंने जन्म मानते थे, मालिक का जन्म नहीं था। यदि वो दया कर देंगे आपका रोग नहीं रहेगा, मालिक की इतनी महिमा हो चुकी थी। कहते मरता क्या नहीं करता कि भी चल अंतिम एक और ट्राई कर लेता हूँ, अंग रक्षक लेकर 500-600 हजार हाथी पर सवार होकर बनारस पहुंच गए। बनारस के राजा थे वीर देव सिंह बघेल, हिंदू राजा थे, और वो भी परमेश्वर कबीर जी के शिष्य हो चुके थे। उनकी पावर शक्ति और चमत्कार देख के जब सिकंदर लोदी वहां पहुंचा तो वीर सिंह से प्रार्थना की कि यहाँ कोई काशी में कबीर नाम का कोई दुलाहे के घर कोई संत है और मैं बहुत दुखी हूँ वीर सिंह, मुझे कहीं से भी राहत प्राप्त नहीं हो रही, अंतिम सांस गिन रहा हूँ। वो कोई है आप जानते हो उसको? नहीं तो पता कराओ और उसको बुलाओ, क्योंकि वीर देव सिंह बघेल मालिक के ज्ञान से और शक्ति से परिचित था। और उधर से दिल्ली का सम्राट और वो छोटा राजा एक नरेश अक्षेत्रीय, उस सम्राट के सामने वो नो नहीं कर सकता, यस ही करना पड़ता है। तो उसने एक तरकीब से बात की कि महाराज जो आपका हुक्म वही होगा, लेकिन वो संत परम संत हैं, मैं उनको खूब जानता हूँ और उन्होंने रजा कर दी तो आपका रोग नहीं रहेगा। तो कहा जल्दी बुला के ला, देर ना कर, मैं तो एक एक सांस गिन रहा हूँ, दुख से बहुत पीड़ित हूँ, आग लगी पड़ी है पूरे शरीर में। तबीर सिंह ने कहा कि जो आपका हुक्म वही होगा राजन, लेकिन कहते हैं मैं सुनता हूँ उनके विचारों को कि संत साधु को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, और यदि हम बाई ऑर्डर बुला भी लेंगे, उन्होंने रजा नहीं बख्शी, तो हम वहीं के वहीं फिर रह जाएंगे, तो साधु संत के पास स्वयं ही चल के जाना चाहिए महाराज, और जैसे आपका आदेश हो वैसे ही करेंगे। वो तो मरा पड़ा था कि नहीं, नहीं 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 फिर तो मैं ही चलूँगा। अब शाम का समय हो गया था, वीर देव सिंह को मालूम था कि शाम के समय परमात्मा कबीर जी स्वामी रामानंद जी पंडित जी के आश्रम में गंगा घाट के किनारे आते हैं, शाम ने आरती वहीं करते हैं। और रामानंद जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, जब पंडित जी मान्या था तो सतलोक में देख लिया था भगवान को, और जब कहा था दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो और गरीब दासन कारण तुम आए हो मगजो, तो रामानंद जी को परमात्मा ने एक प्रतिज्ञा दिला दी थी कि इस परंपरा का निर्वाह करने के लिए आने वाले समय में गुरु शिष्य का नाता बनाए रखने के लिए अनिवार्यता सिद्ध करने के लिए आप मेरे गुरु बने रहोगे, लेकिन मंत्र जाप ऐसे करोगे जो मैं बताऊंगा। तो वो रामानंद जी आंखों देखने के बाद बिल्कुल रो पड़े थे कि ये अपराध मुझसे होगा नहीं। परमात्मा बोले मेरा आदेश समझ लो, नहीं तो आने वाले समय में ये नकली लोग कहा करेंगे कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, ये दाव लग जाएगा काल का। तो रामानंद जी विवश होकर के उनके इस बात को माना था। तो रामानंद जी एज ए गुरु और शिष्य का केवल निर्वाह कर रहा था, उसको आत्मा से पता था ये शिष्य नहीं भगवान है। अब शाम के समय
वीर सिंह बघेल, काशी नरेश और भारतवर्ष का सम्राट, दिल्ली का बादशाह। उस समय भारत बहुत बड़ा था, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, इराक, ईरान तक ये भारत एक ही था। और दिल्ली का बादशाह सबका कंट्रोलर होता था, छोटे छोटे नरेश ऐसे छोटे छोटे बना रखे थे, वो सब उसके अधीन थे। दिल्ली का बादशाह और सिकंदर लोधी और साथ में वीर सिंह बघेल, ये दोनों चल पड़े आश्रम की ओर। कबीर साहब तब तक पहुंचे नहीं थे उस रामानंद जी के आश्रम में, तो वीर सिंह को मालूम था कि रामानंद जी मुसलमानों से नफरत करते हैं और मैं कहूंगा तो ये मेरे से नाराज हो जाएंगे। गेट पर जाकर द्वार पर खड़े हो गए कि राजन यहाँ खड़े हो जाओ। द्वारपाल खड़ा था, सेवक उससे कहा, भाई स्वामी जी से कहिएगा दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोधी आए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं। पहले तो उन्होंने पूछा कि कबीर जी आ चुके हैं, तो द्वारपाल सेवक ने कहा जी अभी आए नहीं हैं, आने ही वाले हैं। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि चलो तब तक अंदर विश्राम कर लेते हैं, साहब संत के दर्शन करते हैं रामानंद जी के। तो वीर देव सिंह बघेल ने कहा कि रुक जाओ, यहाँ का नियम है, पहले आज्ञा लेनी पड़ेगी महात्मा जी से। तो सेवादार से कहा कि भाई ऐसे कहिएगा दिल्ली के बादशाह आए हैं और कबीर साहब जब तक आएंगे तब तक यहाँ इंतजार करना चाहते हैं आश्रम के अंदर, और आपका दर्शन भी करना चाहते हैं। अब द्वारपाल अंदर गया, शाम का समय था, मौसम ठीक सा था, बाहर उस आश्रम के अंदर वृक्षों के नीचे स्वामी जी बैठे थे आसन पे, रामानंद जी। द्वारपाल ने जाकर कहा महाराज ऐसे ऐसे दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोधी आए हैं और वो आपका दर्शन भी करना चाहते हैं और कबीर जी से उन्होंने मिलना है, तब तक आपके इस आश्रम में इंतजार करने के लिए अंदर आना चाहते हैं। रामानंद जी ने कहा कि उनको कहो वो बाहर खड़ा इंतजार कर ले, वो मांस मिट्टी खाने वाले मलेच हैं और हम इन मुसलमानों से को इस आश्रम में अलाउड नहीं कर सकते। अब वो बोलता उन सुन रहा था क्योंकि इतना बड़ा आश्रम नहीं था, बगीचा ऐसा था, झोपड़ी डाल रहे थे एक दो। उन दोनों ने भी सुन लिया कि रामानंद जी ने नकार दिया। द्वारपाल ने आकर बताया कि महाराज जी ने आपको मना कर दिया क्योंकि आप मुसलमान हो और मुसलमान इस आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता। अब कहते हैं तप से राज और राज मधुमानम और जन्म तीसरे सुकृष्वान। राजा तप से बनता है और राजा के अंदर अभिमान होता है और अभिमान उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। उसने सोचा रे दो कौड़ी का बाबा जी है, एक एकड़ में आश्रम बना के अपने आप को इतना महत्वशाली समझता है, मुसलमानों से नफरत करता है, निकाल के तलवार और चल दिया अंदर, ये कौन रोके द्वारपाल की हिम्मत। सामने जाके गुस्से में रामानंद जी की गर्दन काट दी। अब ये मन का सांग है सारा, मन का खेल है, ये पापी है मन, ये काल है, पहले जुल्म करवाता है और फिर उसका दंड भुगतवाता है। अब जब उसने वो विनाश कर दिया ना, तब अकल ठिकाना आएगी, अको तिरे की आया था रोग कटवाने, ये तो अब और बढ़ा ली समस्या। कहने लगा वीर सिंह चल वापस, मेरे तो उल्टे लाग रहे हैं, मेरे तो बुरे दिन हैं, चाहता हूँ भला करना और करवाना और होता है बुरा। अब वो ऐसा महापुरुष बताते हो कबीर जी को, अब उनके गुरु जी का मैंने हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, अब वो शराप और देगा मुझे जब यहाँ आ गया तय, तो निकल जल्दी से। अब वीर सिंह क्या बोल रहे उस राजा के सामने, वापस चलने लगे, सामने से परमात्मा आ गए। अब देखो खेल दाता का, एक तीर से कितने शिकार करे। रामानंद जी की अकल ठिकाने लानी थी, अभी तक वो हिंदू और मुसलमानों को दो समझकर नफरत करता था। जब तक हमारे अंदर ये राग द्वेष और घृणा है, हम मोक्ष मुक्ति नहीं पा सकते, वो भक्ति भी फेल होती रहती है। उधर से राजा को स्वस्थ करके उसका कल्याण करना था, और जब तक अति अधीन दीन हो प्राणी और ताको कहना ये अकथ कहानी, जब तक हम भी नम्र नहीं होंगे तो संत का आशीर्वाद भी काम नहीं करता।
अब उसको नरम बनाना था, एक इतिहास बनाना था, अपना परिचय देना था कि आई एम गॉड, आई एम कबीर गॉड, ये परिचय देना था। जो ही वो बाहर निकले, दोनों नरेश सामने से परमात्मा आ रहे हैं। वीर सिंह जी पहले से शिष्य था, सारी क्रियाओं को से परिचित था, तुरंत दंडवत प्रणाम किया मुकुट समेत कबीर परमेश्वर के चरणों। अब मरता क्या नहीं करता, सिकंदर लोधी ने सोची यो है वो संत है, इब और कोई चारा नहीं, चरणों में गिर नहीं तो आ गया सामने शेर। अब तुरंत वो भी मुकुट समेत चरणों में, दोनों चरणों में दंडवत प्रणाम करे। तब परमात्मा ने कहा कि हे राजन, हे दो दो नरेश आज कैसे गरीब के पास पहुंचे, और ऐसे करके दोनों के सिर पे हाथ रखा कि खड़ो खड़े हो। अब जो ही मालिक ने सिकंदर लोधी के सिर पे हाथ रखा, उसका जलन का रोग तुरंत समाप्त हो गया, जैसे क्वांटल टनों वजन हट गया। बोलो सतगुरुदेव कबीर भगवान की जय। अब वीर सिंह तो खड़ा हो लिया, सिकंदर ना उठे, क्योंकि उसको पता लगे तो अल्लाहू अकबर है, ये तो खुद भगवान आए हैं। ओए होए, आशीर्वाद से सब रोग नाश, ऐसा स्वच्छ शरीर हल्का फुल्का हो गया। अब उसने सोची कि अब ये पता लगेगा इनको कि इनके गुरुजी का मैंने मर्डर कर दिया, और ये मुझे फिर वही रोग दे देगा, इसलिए पैर नहीं छोड़ रहा, रो रहा बुरी तरह, परवरदिगार बख्श दो, परवरदिगार मैं अपराधी हूँ। और एक बात और है कि संत के पास आने से मन दूर चला जाता है, ये मन बकवादी है, सारे ऊट पटांग काम ये मन करवाता है, आत्मा को दबा के रखता है। संत के पास आने से मन पीछे हो जाता है, वो डरता भूत है ये, और आत्मा उभर जाती है। आत्मा तो निर्मल है, दयावान है, चाहे वो कोई भी कसाई भी क्यों ना है, तो वहाँ मन हट गया, आत्मा उभर के आएगी सिकंदर लोधी की, और कहता परवरदिगार मैं अपराधी आदमी हूँ, मैंने बहुत जुल्म कर दिया, ऐसा घिनौना अपराध कर दिया कि अक्षम्य नहीं है, आप मुझे माफ नहीं करोगे, मुझे क्षमा कर दो परवरदिगार। परमात्मा बोले भाई कोई बात नहीं, क्या हो गया, ये तो सारा संसार ही गलतियों का पुतला है, संत के पास आते हैं तो बुराइयाँ छुड़ाई जाती हैं। आप परमात्मा अंतर्यामी जाने थे वो तो सारी, कि नहीं महाराज मैंने बहुत जुल्म कर दिया, आप अक्षमा नहीं कर सकते, आप अक्षमा कर दो मुझे। परमात्मा बोले जो भी तूने कुछ भी कर दिया, उठ रो ना बुरी तरह, और अक्षमा कर दिया कि महाराज मैंने वो सारी कथा बता दी कि मैं इतना दुष्ट हूँ, मैंने याचना की आपके गुरुदेव जी से कुछ समय अंदर विश्राम करने की आपके इंतजार के लिए, उन्होंने अभद्र तरीके से मुझे बुरे शब्द कहे, मुझसे सहन नहीं हुए कि ये राक्षस हैं जो मांस खाते हैं, मलेच्छ हैं, मुसलमानों को शास्त्र में आना अलाउड नहीं है, तो मेरे अंदर युराज का कीड़ा उठ गया और मेरे पर रुका नहीं गया, और मैंने आपके गुरु जी की हत्या कर दी तलवार से, मुझे माफ कर दो, फिर गिर गया चरणों में। परमात्मा बोले खड़ा हो, कोई बात नहीं, ये तो उसकी आयु इतनी थी, स्वामी रामानंद जी की आयु इतनी थी, उस समय स्वामी रामानंद जी लगभग 125 वर्ष के हो चुके थे, 125 वर्ष के, और 104 वर्ष की आयु में परमात्मा मिले थे उनको। तो परमात्मा ने कहा कि इसकी आयु इतनी थी और आपसे ही इसकी मृत्यु होनी थी, इसमें ना तेरा दोष है ना उनका दोष है, आप चलो, और लेकिन एक काम करो, मेरे साथ वापस चलो। परमात्मा ने कहा कि अपना काम बताओ, किस लिए आए थे, कि जिस काम के लिए आया था वो तो आपने आशीर्वाद मात्र से ठीक कर दिया, मैं बहुत दिनों से दुखी था, मेरे हाहाकार मची थी, आग लगी थी रोम रोम में, अरदाता आपके आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हो गया, अब मेरा एक काम और बढ़ गया, हे परमात्मा उसको भी दया करो, क्षमा करो। तो परमात्मा बोले कि चलो आप ऐसे मत जाना, नहीं तो हिंदू समाज बहुत बुरा समझेगा और हो सकता उपद्रव भी हो जावे, आप अंतिम संस्कार करो, मैं संभालूंगा इन सबको, कहूंगा कि भाई ये तो होना ही था और ऐसे ऐसे गलती हो भी गई थी,
आदर सत्कार तो सभी का होना चाहिए। तो राजा ने सोचा भी ठीक है, तो अंदर चले गए दोनों। तो जितने भी 10-5 वहाँ शिष्य रहते थे रामानंद जी के, वो कबीर साहब आगे आगे थे, उनको देखकर भागे आए कि कबीर जी सिकंदर ने गुरु जी का मर्डर कर दिया। परमात्मा बोले ऐसी बात नहीं बोलते, संत मरते हैं कभी। अरे भले आदमी, तुमने फिर देख जाना क्या भगवान को और संत को, ये मरते हैं, ये कभी नहीं मरते। और कौन किसको मारता, ये संस्कार अपने प्रारंभ भोगना होता है सबको। उनको ऐसा कह रहे थे, इतने में सिकंदर लोधी और वीर सिंह पीछे पीछे आ गए। वो फिर सुन हो गए कि तो फिर आ गया भाई सिकंदर लोधी, फिर आ गया। वो तो चुप हो गए, कति एक साइड में खड़े हो गए। तब परमात्मा ने स्वामी रामानंद जी के जो दो भाग हो गए थे, गर्दन अलग और धड़ अलग पड़ी थी दूर दूर, और कपड़ा डाल रखा था, वहां खून रक्त का सरवा हो गया था। अब परमात्मा कबीर साहब ने दंडवत प्रणाम किया चरणों की ओर उस स्वामी रामानंद जी के मृतक शरीर को, और चरण पकड़ के कहा, गुरुदेव उठो, संध्या आरती का समय हो गया है, अरे उठो, देखो दिल्ली के बादशाह और काशी नरेश आपके दर्शनार्थ आए हैं। इतना ही कहा था, वो गर्दन दूर से उठकर रामानंद जी के गर्दन पर लग गई, निशान भी नहीं था और जीवित हो गया। बोलो सतगुरु कबीर भगवान की जय। अब सामने उठते ही उसने देखा सिकंदर लोधी फिर खड़ा है, फिर लाल आंख करने लग गया। फिर इतने में परमात्मा ने कहा कि हे स्वामी जी, आप तो लीला कर रहे थे, आपको कौन मार सकता है। तो इतने में उसने नीचे ध्यान गया कि मैं तो मर गया था फिर, और ये मेरे शरीर से गर्दन कटने के बाद उनके शरीर से दो धारा चली थी, एक रुधिर की एक दूध की। शरीर से तो या तो ब्लडर निकलना चाहिए था। तो स्वामी रामानंद जी ने उस भगवान कबीर साहब से पूछा कि हे परवरदिगार, ये शंका का समाधान कीजिए कि ये दूध और रक्त ये ऐसे कैसे आया है, या तो रक्त होना चाहिए था सारा ही, ये दूध क्यों आया। तो परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी, पहले आप केवल ब्राह्मणों को ही उत्तम मानते थे, अन्य जाति वालों को आप शेष नहीं बनाते थे, तो वह बड़ी कमजोरी थी। वो तो आपने दया कर दी सारे हिंदू समाज के ऊपर कि आप सबको दीक्षा देने लगे, और अभी भी आप में कमजोरी रह रही है कि आप मुसलमानों से नफरत करते हो, और जब तक नफरत शेष है मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए आपके शरीर में 50% प्योरनेस है, प्योरिटी है, आधे शुद्ध हुए हो, और जिस दिन आप पूरे मानव और प्राणियों को एक समझ लोगे उस दिन आप मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे। इसलिए आप अभी अधूरे हैं दाता। रामानंद खड़े हुए और परमात्मा ने 1 घंटे प्रवचन किए, हिंदू और मुसलमान दो नहीं है, दो कहे जो नरक में जावे, एक खुदा के बच्चे हो तुम, सब एक घर से आते हो तुम, या अपने आप अलग अलग जाति और मजहब बनाकर भ्रमित हो जाते हो। हिंदू और मुसलमान सब परमात्मा के बच्चे हैं, ईसाई हो चाहे सिख हो, सिख तो जब तक थे नहीं। तो रामानंद खड़े हो गए, आँखें पानी भर गया, और सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया। बेटा मेरे से गलती होगी, मुझे क्षमा कर देना, मैं बहुत निकम्मा था, आज मेरी आँख खुल गई। उसके बाद रामानंद जी ने किसी भी जीव के प्रति कोई घृणा नहीं रखी। तो फिर सिकंदर लोधी ने कहा कि भगवान, ऐसे अच्छे विचार आपके और ऐसे महापुरुष, क्योंकि उनका कति विश्वास दृढ़ हो गया था कि ये अल्लाह अकबर है, अपने हाथों से काटा आदमी को और सामने जीवित कर दिया, रेजिटीज बैठा है, और ऐसा भयंकर रोग जो आज तक किसी मुसलमान के किसी काजी मुल्ला और किसी से ठीक नहीं हुआ, ना हिंदू धर्म के किसी वेद और जंतर मंतर करने वाले ऋषियों से ठीक हुआ, और महापुरुष ने तुरंत ठीक कर दिया, तो ये परमात्मा आई और मेरे सामने जीवित कर दिया। ओए होए, तो उन्होंने कहा कि परवरदिगार, एक बार दिल्ली चलो, आप दिल्ली चलो दाता,
वहां तो आग लगी पड़ी है, हिंदू और मुसलमान की आपस में ऐसा झगड़े होते, आपके विचार सुनेंगे हो सकता है सभी की बुद्धि ठिकाना आ जाए। परमात्मा बोले हम ऐसे नहीं चलते, जो हमारा कोई दीक्षा लेगा तो हम चलेंगे, हम मेरा शिष्य बनता है उसके साथ जाते हैं, ऐसे वैसे नहीं जाते हम। तो सिकंदर लोदी बोला जी वो क्या करना पड़ेगा शिष्य बनने के लिए, आपने ये करना पड़ेगा मांस नहीं खाना होगा, छूना भी नहीं होगा, और किसी को सजा गलत नहीं देगा, न्याय करेगा, किसी को सताएगा नहीं। तो उसने कहा जी ठीक है मांस नहीं खाऊंगा, और तेरे राज्य में कोई भी जीव हिंसा ना हो। तो यहां वो व्यवस्था जाहिर करता है कि भगवान आप तो जानी जान हैं, मैं मांस नहीं खाऊंगा लेकिन जीव हिंसा का प्रतिबंध मैं लगा नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये मुसलमान समाज बहुत ज़्यादा है, आप भी जानी जान हो। तो परमात्मा ने ये कंडीशन लूज कर दी कि ठीक है तू मांस नहीं खाएगा और कोई बुराई नहीं करेगा, बीड़ी शराब तम्बाकू हुक्का भी प्रयोग नहीं करेगा, मुसलमान हुक्का बड़ी चाव से पीते हैं, वैसे सारे पीने लगे तो उसने वो पीते थे तो उसने कहा कि नहीं, वो सब मान भी सकते हैं, और परमात्मा ने उनको अपना शिष्य बनाया। तो पुण्यात्माओं उधर से क्या हुआ कि कबीर साहब के पीछे सारा काशी के लोग पीछे पड़ लिए, और उसी दिन ये सिकंदर लोदी दिल्ली का बादशाह भी काशी बनारस में गया हुआ था, और परमात्मा जानबूझकर उस दिन छेड़ा छेड़े थे कि इनकी परम पावर हो यहाँ पर, पूरी सुप्रीम पावर आ रही हो, अब सारे काशी के मुल्लार काजी हिंदू सारे इकट्ठे मिलकर सिकंदर लोदी के पास पहुँचे, जहाँ वो रेस्ट हाउस में रुका हुआ था वीर सिंह के पास, वीरदेव सिंह बघेल वहाँ का राजा था। तो उन्होंने सब ने जाके कहा कि भगवान हमारा तो घर से निकलना दूभर हो गया, सरेआम वैश्यावर्ती शुरू होगी आपके राज में, और ऐसे ऐसे हाथी पर बैठकर शराब पी कर वैसा लेकर घूमा एक दानक दुल्हा कबीर। अब देखो सकल सिकंदर लोदी की उसका रोग दूर किया, ऐसा बुरा हाल था, हाहाकार मची थी, और उसके सामने ऐसे चमत्कार करके दिखाई, और फिर भी जनता के डर से वो फिसल गया, अकतेरा तो राज उजड़ जाएगा। अब कद कहीं ऐसा ना हो जनता सारी भड़क जा। सिकंदर लोदी ने कहा लाओ पकड़ कर कौन है वो, अब ले गए पकड़ गए। सिकंदर लोदी ने जनता को दिखाने के लिए कि मैं वो अपने हाथों से हाथों में थकड़ी और पैरों में बेड़ी और गल में एक लोहा बहुत भारा तोक डाला करते हुआ डाल दी, और सब ने कहा कि इसको गंगा में डाल कर डबो के मारेंगे। सारा सारा काशी के लोग राजा सिकंदर लोदी सब चले गए, जनता का कि राजा की के चल है, ये काजी मुल्ला ये हिंदुओं के धर्मगुरु सारे, उन्हें पता लग गया का दुश्मन मरेगा, क्योंकि परमात्मा ने सबके छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में कि तुम बकवास करते हो, मिसगाइड किए बैठे हो, जो साधना तुम करते हो कराते हो स्वर्ग की भी नहीं, तुम नरक ले जा रहे हो। तो दोनों धर्म के गुरु उस परमात्मा के विरोधी थे ही, उनका दाव लग गया, सारे इकट्ठे हो गए और कहा इसको डबोगे मारेंगे। अब नौका में बैठा के और उनसे कहा दो पांच दस मस्टंडे साथ भेज दिए कि इनको गंगा के बीच में पटक दो ठाक है नौका। अब उन्होंने जाके परमात्मा को उठा के बहती दरिया के बीच में पटक दिया। परमात्मा जल पर ऐसे बैठ गए जैसे थल पर बैठा करते हैं, हथकड़ी और बेड़ी अपने आप टूट के गिर गई। बोलो सतगुरुदेव कबीर भगवान की जय हो। अब वो नौकेनियों बैठे जब हर नीचे गंगा जल चक्कर काटता हुआ चल रहा है, अब वो नौका वाले तो बुला लिए तुम आ जाओ वापस, फिर लगे उनको पत्थर मारो, इसका खूब पत्थर मारे, पत्थर कहाँ जाए इतनी दूर सेंटर में, फिर कहने के गोली मारो उसका, राजा ने आदेश क्या को कहा कि गोली मारनी पड़ेगी। अब राजा डरता ठीक है गोली मारो, गोली मारे
तीर मारे एक निजा वाले की तो कहते उड़े नू हो जाओ ऊपर ने को फिर कहने लगे भाई नहीं बात बनी तोब लाओ तोब तोब के गोले और 12 घंटे मालिक बाबर साहिब नीचो ने आंख नहीं खुली चार पहर 12 घंटे तोब के गोले नु दागे गए वो कभी तक गंगा से बाहर जा पड़ा किसी सरोवर में या वहीं फंस होकर वहीं गिर जा अकल नहीं आई ठिकाने अरे मूर्खो तोब के गोले और फ्यूज ऑन लग रहे एक नहीं जा रहा फिर भी आंख ना खुली के कबीर इज गॉड अरे मंदबुद्धि लोगों तो जब परमात्मा ने देखा कि ये मूर्ख नाम जाए यहाँ से भूखे पैसे खड़े दंता न लिए और परमात्मा नू का नो नीचे चले गए जल में अपने आप जब ये कति सारी करनी करके थक लिए तब उन्हें खुशी बनाई कब डूब गया अब इसके ऊपर आप रेत फिर जाएगा मर जाएगा इसके अंदर खत्म हो गया अब सब मिठाई बांटते अंडे दुश्मन मर गया क्यों मुल्ला और काजी अरिया पंडित जी अब सब मिठाई बांट रहे हैं और फिर क्योंकि रविदास जी कहा करते कि तुम नहीं समझ पा रहे हो ब्राह्मणों ये भगवान है तो उन्होंने सोचा आज चलो उसको रविदास को बताते हैं कहाँ गया तेरा भगवान अब वो डूब गया गंगा में रविदास की झोपड़ी पर गए ढोल ढाल बजाते हुए मिठाई बांटते हुए और एक ने जाके कहा कि कहाँ है वतराज भगवान वो डूब गया जो गंगा में रविदास जी बोले वो बैठे देख आ जाओ देखो वो बैठे बोलो कबीर भगवान की जय हो अब जोसा देखा हुए बागले कहा सिकंदर लोदी के पास के महाराज वो तो मरा नहीं तो अब कैसे मारे भाई कि इसके गले में पत्थर बांध दो मोटे मोटे उसे भरा भरा पत्थर बांध कर छाती गए और परमात्मा को फिर गंगा में पटक दिया वो पत्थर टूट कर नीचे गिर गया भगवान ऊपर बैठे फिर उन्होंने सोचा वे नौ नहीं मरे फिर उन्होंने प्रार्थना करी कि हे कबीर जी आ जाओ बाहर आ जाओ तुम अकले भाई आ गया बाहर फिर उन्होंने सखी बनाई कि इसको खुन्नी हाथी होते थे वो आदमी को मार कर पाट डालते थे उसको कि खुन्नी हाथी से इसको मरवाएंगे वहाँ एक ऐसा दंडित स्थान बना रखा था राजा बैठता था एक ऊंचे से मचान पर जैसे ये स्टेडियम में ऊंचे स्थान पर बैठ जाते लास्ट वाला ऊंचा मचान हो और ग्राउंड में खेल होता है ऐसे तो वो राजा बैठा था अपने मंत्रियों सहित ऊपर एक ऊपर बनी हुई स्टेज पर और ग्राउंड के अंदर वो दो बकवाद जो ज़्यादा कर देते थे अपराध उनको खुन्नी हाथी से सबको इकट्ठा बुलाया जाता था सारे आसपास के नगर निवासियों को ताकि सबको डर बने और सामने देखें कि अपराधी को कैसे दंडित किया जाता है तो सारे इकट्ठे हो रहे थे वो नताना ही था और बीच में परमात्मा को बांध के गोला लाठी दे के हाथ पैर बांध के और गिर दिया ग्राउंड में डाल दिया और हाथी पीलवान से कहा कि इस हाथी से कुचलवा डाल हाथी को शराब पिला दी मदमस्त कर दिया और पीलवान ऊपर बैठ कर उसको परमात्मा की तरफ लाने लगा जब थोड़ी सी दूर पर रह गया हाथी परमात्मा ने शेर का रूप बना लिया शेर को देखकर हाथी की कल चंगाड़ मारे और लीद कर वापस भाग गए मुंडी धुंध बन गए अब पीलवान उसका वो मारे अंकुश अग तेरी नौकरी गई जब उसने दोबारा जब हाथी हाथी को दिख रहा था शेर परमात्मा ने सोचा कि यो इस प्राणी को पीलवान घना दुखी करेगा परमात्मा ने उसको भी दिखा दिया सिंह का रूप पीलवान को हाथी जो चला रहा था जब उसने शेर देखा कि झपट्टा मारने वाला हो तो इतना डर गया हाथी तो नीचे गिर गया हाथी की तजा भाग गया और पीलवान कहीं पिड़ा अब परमात्मा ने ये सोचा कि इस पीलवान को दंडित करेगा ये मूर्ख सिकंदर लोदी इसको मारेगा गरीब को तब परमात्मा खड़े हुए
हाथ तकड़ी वो बांध रखी थी, टूट गई सारी। परमात्मा निर्बंध को कोई बांध सकता है? खड़े हो गए और सिकंदर लोदी ने ऐसा दिखाई दिया जैसे शीश आसमान पर अड़ा हो भगवान का, और इतना नूरी शरीर चमक रहा हो। एकदम नूर देख कर सिकंदर लोदी जैसे वहीं से कांपने लगा था, उस मचान से सटेद से, और कांपता हुआ नीचे आकर चरणों में गिर गया समेत मुकट के। बोलो सतगुरुदेव कबीर भगवान की जय हो। अपनात्मों ये अध्यात्म मार्ग है, अध्यात्म ज्ञान है। आप यहाँ विचलित हो जाते हो कि एक तरफ तो द्रौपदी ने कोई गुरु नहीं बना रखा था, उसने दान भी कर दिया, और यहाँ गुरु जी कह रहे हैं कि गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, दोनों व्यर्थ हैं। अब देखो ये भी कहा जाता है कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल अवश्य मिलेगा। अब द्रौपदी ने दान किया, एक जरूरतमंद व्यक्ति को यानी सुपात्र को दान दिया, तो वो फल उसको मिला, लेकिन वो फल मिलकर भी निष्फल रहा, क्योंकि मोक्ष जो का त्यों रह गया। और यदि वो गुरु पूर्ण बना करके फिर ये ऐसे दान भी करती तो मोक्ष भी होता और ऐसी आपदा भी टलती। तो इस प्रकार द्रौपदी ने फिर कहा, अहे गुरुदेव वो ऐसे महापुरुष थे, यदि मेरे एक लीर के कारण और ये बढ़ गए चीरों पार, और इज्जत रही वान्यारी, और जब मैं पहले जान लेती कि ऐसे महापुरुष हैं तो सर्वस देती वार, पता नहीं कितना दान कर देती, कितनी सेवा करती। तो भगवान आकर चले गए 120 वर्ष तक। जब हम इतने जानन जोगे होते तो चरणाम पड़ जाता पूरा विश्व, जिसमें परमात्मा दुल्हा रूप में यहाँ प्रगट थे। तो इस ज्ञान कराने के लिए ही सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है कि वो जौहरी बता सकता है कि ये है लाल, इसको परख कर देख रखा मैंने। तो ये दास वो सतगुरु रूपी जौहरी बना, और कूड़े की टोकरी में पड़े इस लाल कबीर को परखा, और आज आपने बरज के देख लिया सौ का सौ खरा। तो कहते समझा है तो सिर दर पाऊं बहोर नहीं रे, ऐसा दो। तो कहते दान इतना अनिवार्य है भक्ति में, जैसे मंत्र आपको दे दिए ये तो बीज बो दिया, और बीज बोने के बाद खेत में जब सिंचाई नहीं करी खाद नहीं डाला तो किसान के खटेगा नहीं। इस प्रकार नाम लेकर के आप दान की हिम्मत करके देखो, क्योंकि यहाँ तो खुली किताब है, पर आप दोगे भगवान के नाम, और भगवान फिर अपने बच्चों के लिए कहीं खर्च करे उसको, तो फिर उसका कई गुना फल मिलता है। और ये दान आपको इतना लाभ देगा आप सोच भी नहीं सकते। पहले आप दान करते थे, पता नहीं कहीं दान भी कर देते थे, वो आपको मिलता अवश्य, मनमाने कुत्ता बन जाते। अच्छा दान किया हुआ व्यक्ति जो गुरु नहीं पूरा मिला, और कुत्ता बनकर वो एक सेठ के यहाँ होता है, गाड़ी में चलता है और अलग से कमरे में रहता है, एसी लगा हुआ है उसके लिए, और खाने के लिए समय पर, और जांच होती है डॉक्टरों से वेटनरी सर्जन से, उसका ड्राइवर आदमी होता है और कुत्ता मालिक की सीट पर बैठकर चल रहा होता है। तो उस पुनकर्मी प्राणी ने किसी जन्म जन्मांतर में खूब दान किए, भंडारे दिए, कंबल बांटे, सारा कुछ किया, लेकिन गुरु ना मिला पूरा। गुरु ना मिलने से उसको किया हुआ तो मिला, लेकिन कुत्ते की जोनी में मिला। यदि वो शास्त्र अनुकूल साधना और गुरु के अनुसार पूरे संत के माध्यम से ये सभी कुछ करता तो मनुष्य जीवन मिलता, अन्यकार कोटि सुविधा मिलती, और मनुष्य जीवन में फिर कभी ना कभी भगवान और सतगुरु मिल ही जाते। अब कुत्ते की योनि में उसने सारी सुविधा ले ली, फिर बन गया सुअर या गधा, बताओ उसने फिर क्या सुविधा मिलेगी? तो इसलिए बता है कि गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, ये पूछो वेद पुराण। फिर ये भी सत कर दिया कि जो किया हुआ ऐसा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उस मिलने का कोई औचित्य नहीं। वो मिलो चाहे ना मिलो, जब तक मोक्ष नहीं हुआ और आपका यहां से पीछा नहीं छूटा तो वो दान भी व्यर्थ है।
तो आज आपको वो सतगुरु और वो स्थान मिल गया। अब कहते समझा है तो सिर दर पाओ, भोर नीरे ऐसा था। ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे। जो यहां नहीं आएगा सतलोक आसन बरवाला जिला हिसार से, उपदेश नहीं लेगा दास से, तो ऐसे पछताएंगे बाद में जैसे कुत्ता वो प्राणी मनुष्य जीवन को छोड़कर कुत्ते की योनि में जाकर रात ने ऊपर ने मुंह कर करो आकर एक आधी बज उसके याद आया कर वो बातें, वो एक बहुत बुरी बड़ी भाई। तो उस समय कुछ नहीं बनेगा, आप समय पर संभालो। परमात्मा समझाया करते थे काशी करवत लेत हैं ये आन कटावे शीशे, बन बन भटका खात है यो मिले नहीं जगदीश। यानी जो साधना आप कर रहे हो और सैक्रिफाइस भी कर रहे हो, हमारे धर्म गुरुओं ने ज्ञान था नहीं, रोजी रोटी के लिए ये संस्कृत पढ़ा करते, अच्छा धन कमाने के लिए शिक्षा ग्रहण करते थे ब्राह्मणों के लड़के, और ये पता लग जाता ये काशी विद्यापीठ से पढ़ कर आ रहा है तो उस आसपास की जनता उससे के पीछे हो जाया करती थी, और उनका उद्देश्य केवल मनी मेक था। तो पहले काशी के अंदर विशेषकर जो ज़्यादा पैसे वाले व्यक्ति धार्मिक हिंदू होते थे, ये ब्राह्मण लोग उन्हीं को ज़्यादा कैच कराया करते। तो उनमें क्या था कि उन्होंने एक रूमर फैला दी कि भाई जो काशी में मरेगा वो तो जाएगा स्वर्ग में, और फिर एक उन्होंने बताया कि जो मगहर एक स्थान है उत्तर प्रदेश गोरखपुर के पास, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर शहर के पास, अब उसका संत कबीर जिला संत कबीर नाम रख दिया उस क्षेत्र का, तो वो मगहर एक स्थान है आज भी है। वहाँ का राजा था बिजली खां पठान, वो परमात्मा का शिष्य हुआ था। कैसे हुआ था कि वहाँ अकाल गिर गया था मगर क्षेत्र में उसकी राज में, और सारे जंतर मंतर करवा लिए थे, हाहाकार माच गई थी। तब किसी ने बताया था कि कबीर नाम के एक महापुरुष काशी में रहते हैं, काशी का राजा वीरदेव सिंह बघेल भी परमात्मा का शिष्य था। उसके मगर के जो राजा थे बिजली खां पठान, वो बिजली खां पठान ने पता लगने के बाद परमात्मा को प्रार्थना करके अपने घर लाए थे मगर में, तो परमात्मा के आशीर्वाद मात्र से वहाँ इतनी गजब की वर्षा हो गई थी, सारा पानी पानी भर गया था। लंबी कथा पहले फिर कभी सुनाएंगे, अब ये सिर्फ एक जो आज विषय सत्संग का कुछ अन्य है, जिससे प्रभावित होकर के वो मगर के सभी हिंदू, और उसमें 50-50 हिंदू और मुसलमान है मगर नगर में, एक कस्बा सा है मगर जैसे बरवाले से भी छोटा, तो उसमें और छोटा गांव सा था, तो उसमें 50-50 हिंदू और मुसलमान है, सारे के सारे परमात्मा के शिष्य हो गए, क्योंकि सारे मरे थे, तड़फे थे, कति एक एक दिन गणे थे, घास फूस खाकर जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो सब ने परमात्मा की दीक्षा ली। बिजली खां पठान ने भी मस्तक टेक दिया, और वहाँ कहते हैं मुसलमान, एक मुसलमान था उसके संतान नहीं थी, 60 से ऊपर उम्र होगी थी दोनों की, तब परमात्मा से अर्ज करी थी, परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया था, बेटा यह भी समस्या तेरी हल हो जाएगी, 10वें महीने लड़का हो गया, उसका आज पूरा मोहल्ला बना हुआ है, पूरा सैकड़ों घर, उसका नाम रखा हुआ मगर में मोहल्ला कबीर करम, मोहल्ला कबीर करम यानी कर्म माने कृपा रहम, कबीर परमात्मा की रहमत का प्रसाद रूपी यो मोहल्ला, ये सारे उसके आशीर्वाद से हम आज विद्यमान हैं। हम गए थे वहाँ पर, हम वहाँ गए थे अब 2-3 बार देख कर आए, संगत को भी लेकर गए ताकि आने वाले समय में वो प्रत्यक्ष दृष्टा मेरे साथ गए थे भक्त, अपने भाई बहनों को विश्वास दिलाएंगे कि सचमुच ऐसा है, हम देख कर आए थे। तो वो बिजली खां पठान उनका शेष हो गया, और काशी के जो पंडित जी थे इन ब्राह्मणों ने एक अफवाह फैला रखी थी कि जो मगर मरेगा वो गधा बनेगा, क्योंकि
उस मगर की पृथ्वी को भगवान शंकर जी ने श्राप दे रखा है, वहाँ जो मरेगा वो गधे की जुन्नी में जाओगा। और साथ में उस मगर के साथ से एक दरिया बहा करती थी, उसका आमी नदी नाम था। अब भी है वो दरिया, अब भी है, लेकिन वो सूखी है, थोड़ा पानी चलता उसमें। तो वह कति सूख गई थी, कहते हैं भगवान शिव ने उसको श्राप दे दिया, उसका पानी खत्म कर दिया। ठीक है, अब वो सूखी पड़ी थी, उस मगर के नीचे का पानी खराब है, वहाँ नहीं था उस समय, तो ये समस्या उनको बनी रहती थी। उधर से परमात्मा कहा करते थे कि भाई जो आपके धर्मगुरु कह रहे हैं कि जो मगर मरेगा वो गधा बनेगा और नरक में जाएगा, और जो काशी में शरीर छोड़ेगा वो स्वर्ग में जाएगा। परमात्मा कहा करते थे कि भाई पुण्य करने वाला और पूरे गुरु से जो मंत्र लेकर शास्त्र अनुकूल साधना करने वाला, वो कहीं पर भी मरो वो अपने उस इष्ट धाम में जाएगा। ये आपको भ्रमित कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं तुम्हारे गुरुजी। तो वहाँ क्या करते थे, काशी के अंदर इस बात को सिरोधार्य करके हमारे पूर्वजों ने, समझदार व्यक्तियों ने ये सोचा कि भाई मरना तो है, वृद्ध हो गए, और क्यों ना हम काशी में चले जावा, काशी क्षेत्र में, बनारस में, और वहाँ मृत्यु हो जाए तो स्वर्ग तो चले जाएंगे। तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि बेटा हम वृद्ध हो गए, हमारी व्यवस्था कर दो, हम वहाँ रह लें धर्मशाला वगैरह में, और कभी भी प्राण छूट जाएंगे हम स्वर्ग चले, स्वर्ग तो चले जाएंगे। तो माता पिता के लिए बच्चे कुछ भी करने को तैयार होते हैं, उनको मालूम है कि इन्होंने तुम्हें कैसे पाला पोसा है, और ये 2 वर्ष 4 वर्ष के हैं, इनको वहाँ छोड़ दिया, धर्मशालाओं में रहने लग गए, फिर उन धर्मगुरुओं से कथाएं सुनते तो वहाँ रहने लगे। तो उन धर्मगुरुओं ने एक स्कीम बनाई कि भी अपने अपने क्षेत्र के व्यक्तियों को तुम अपने घर रख लो, इनको वहाँ क्या करेंगे, इनके जो वहाँ खर्चा होता वो खर्चा हम ले लेंगे, और ये हमारे यहाँ कथा भी सुनते रहेंगे, 2-4 आदमियों की रोटी बनती है, 2 ये भी खा लिया करेंगे। तो उन्होंने ऐसा उन बुजुर्गों के बच्चों से कहा कि भाई तुम इन अपने माता पिता को हमारे घर छोड़ दो, अपने अपने धर्मगुरुओं के पास छोड़ दिया, और जो दान दक्षिणा आप देना हमें देते रहना। तो उन्होंने तो खुश हो गए, भाई ठीक है, रोज कथा सुना करेंगे, गुरु जी के दर्शन करेंगे। तो उन्होंने उन धर्मगुरुओं ने यो सर दर्द मोल ले लिया। अब एक धर्मगुरु के उस मकान में 50-50 बुढ़े बुढ़िया बैठ गया के लालच में। अब घर में बूढ़ा बुढ़िया को एक का संभालना मुश्किल हो जाता है, मतलब ये बस की बात नहीं है, उस स्थिति में एक ही बुजुर्ग को संभालना कठिन होता है, और उनने 10-10, 20-20 इकट्ठे कर लिए। अब उन्होंने फिर स्कीम बढ़ाई, किया तो बहुत बूढ़ी बनी भाई, ये कितना थुक्के हैं, कितना मुत्ते हैं, कितना टट्टी कर दे हैं, बता क्यों कर संगवावा इनने। तो उन्होंने क्या स्कीम बनाई, मीटिंग करी गुप्त कि गंगा के किनारे, गंगा दरिया के किनारे एक आरा लगा दिया, करौत जो लकड़ी काटने का होया करे, वो आदमी काटने के लिए, और वो उनको गुप्त रख दिया ऊपर, जैसे एक गुफा सी बना दी, और गुफा की आर्च बना दी, आर्च के अंदर से वो कुकरौत ऐसे आवे और उन्हें काट कर उठाए चला जावे, ऐसा उनका कंट्रोल हैंडल थोड़ा 100-150 फुट दूरी पर रस्से बांध कर बना दिया। और फिर उनको मैं एक रूमर फैला दी, अफवाह फैला दी कि भाई भगवान की तरफ से करौत आता है, और जिन्होंने जल्दी स्वर्ग जाना है उसकी फीस रख दी 50-100 रुपये कि जो जल्दी गड़ा कटावेगा 100 रुपये में दो, हम फिर दान पुण्य करेंगे इनके जाने के बाद, और ये स्वर्ग चले जाएंगे। तो माता पिता ने अपने बच्चों से कहा कि बेटा जल्दी काम बने हैं 100 रुपये में। तो माँ बाप बच्चा ने सोची भाई ठीक है, माता पिता की यही इच्छा है तो कोई बात नहीं। तो हमने वो गल कटवाना भी मंजूर कर लिया परमात्मा पाने के लिए, और वो एक कसाई आला आरा लगा दिया वहाँ मानस काटने का, वो भी स्वीकार कर लिया, और उसकी तो घड़ी में ही मांगा दी इन्होंने।
तो परमात्मा कहते हैं जहाँ भी सुनते हो ही लोग हैं काशी में करो तो आगे भगवान की तरफ से, वहाँ जो कलाकट वाले सीधा स्वर्ग में जाता है। परमात्मा कहा करते ये थरे गुरु धर्म गुरु क्यों ना कटवाते अपना गला, ये क्या करेंगे जब स्वर्ग में सीधे ये जाओ है तो ये आड़े पीछे टिंडे लेंगे, स्वर्ग में सारा सुख है, ये आड़े काम का धोती दो दुनिया की। तो कहा करते ये झूठ बोल रहे भाई सारी। फिर भी परमात्मा दूसरे तरीके से समझाते हैं, काशी क्रोत लेते हैं वहां जा कटावे शीशे और बन बन भटका खाते हैं भाई, ऐसे नहीं मिले जगदीशे। परमात्मा कहा करते हैं ये पंडित ब्राह्मण गुरु यानी सभी ब्राह्मण नहीं जो ब्राह्मण कर्म करते हैं जो गुरु पद पर विराजमान है उनके लिए कहा करते थे कि भाई ये आपके जो मंडलेश्वर हैं गुरुजी हैं ये सारे झूठे हैं, इनको ज्ञान नहीं है। और भाई अगर मगहर मरने से यदि नरक में जाता है प्राणी तो मैं मगहर मरूंगा, अनाउंसमेंट करवा दी परमात्मा ने कि भी इस दिन मैं मगहर मरूंगा और उसके लिए प्रस्थान कर दिया। अब जब वहाँ से परमात्मा काशी से चले मगर के लिए, उस समय की वाणी है, मुकिन्या मगर पिया ना सतगुरु, मुकिन्या मगर पिया ना सतगुरु, किन्या मगर पिया ना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। पयाना माने प्रस्थान, काशी से मगर के लिए प्रस्थान किया, उस समय की वाणी बता रहे हैं। मुकिन्या मगर पियाना सतगुरु, किन्या मगर पियाना सतगुरु, किन्या मगर पियाना हो, दोनों दीन दोनों धर्म हिंदू और मुसलमान, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, मुक्ति अक्षेत्र, जैसे काशी के ब्राह्मण कहा करते कि इस अक्षेत्र में जो मरेगा मुक्त होगा, परमात्मा कहते थे मैं तुम्हारे इस मुक्ति अक्षेत्र ने छोड़ कर वहाँ मरूंगा जहाँ तुम कहते हो गधा बनेगा, और तुम हिसाब ला लियो मैं कहाँ जाऊँगा देख लेना, क्यों मूर्ख बना रहे हो जनता को। भाई मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं वो तज काशी अस्थाना हो, मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं तज काशी अस्थाना हो, सहा सिकंदर कदम लेत है, सहा सिकंदर कदम लेत है, बादशाही सुल्ताना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई चार वेद के वक्ता संघ है वो ब्राह्मण है, चारों वेदों के वक्ता, भाई चार वेद के वक्ता संघ है वो खोजी बड़े बियाना हो, सालग राम सुरत से सेवे, सालग राम सुरत से सेवे, वो बच्चे पोथी पाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई सट दर्शन जाके संग चले हैं वो गावत बानी नाना हो, सट दर्शन जाके संग चले हैं, ये छह भेख गिरी पूरी कहते सारे चले देखांगे कैसे मरेगा और कैसे गधा ना बनेगा। भाई सट दर्शन जाके संग चले हैं वो गावत बानी नाना हो, अपना अपना इष्ट बन मनावे, अपना अपना इष्ट बनावे, वो बच्चे पोथी बना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। कीन्या मगर पियाना सतगुरु, कीन्या मगर पियाना सतगुरु, कीन्या मगन पियाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो।
दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना। भाई मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, वो तज काशी अस्थाना हो। मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, वो तज काशी अस्थाना हो। सहा सिकंदर कदम लेत है, सहा सिकंदर कदम लेत है, बादशाही सुल्ताना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई चार वेद के वक्ता संग हैं, वो खोजी बड़े बयाना हो। सालग राम सुरत से सेवे, सालग राम सुरत से सेवे, ज्ञान समुंदर दाना वो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई सठ दर्शन जाके संग चले हैं, वो गावत बाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट संभाले, अपना अपना इष्ट मनावे, वो बच्चे पोथी पाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई चादर फूल बिछाए सतगुरु, चादर फूल बिछाए सतगुरु, वो देखे सकल जिहाना हो। चार दाग से रहत जुलाहा, चार दाग से रहत जुलाहा, अवगत अलख अमाना वो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई वीर सिंह बघेल लाख करे बेनती, वीर सिंह बघेल लाख करे बेनती, वो बिजली खान पठाना वो। दो चादर बख्शीस करी है, दो चादर बख्शीस करी है, दीना ये परवाना वो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई नूर नूर निर्गुण पद मेला, वहाँ देख बहे हैराना हो। पद लोलीन बहे अविनाशी, पद लोलीन बहे अविनाशी, वहाँ पाया पिंड न पराना वो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई शब्द स्वरूप साहेब सरबंगी, वो शब्द शब्द समाना हो। दास गरीब कबीर अरस में, उसके फर्क दजा निशाना वो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। जब परमात्मा ऊपर जा रहे थे तो दुर्गा एक सुंदर युवा औरत का रूप बना के और वहाँ खड़ी होगी सामने जाके। देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा हो। भाई काशी में कीर्ति कर चाले, वो झलमल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, झलमल देही नूरा हो। माया आद अर्श से उतरी, अर्श माने आसमान से, आदि माया ये दुर्गा। माया आद अर्श से उतरी, वो बनी अप्सरा हूरा हो। हम तो बरे कबीर पुरुष को, हम तो बरे कबीर पुरुष को, तू है दुल्ला पूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो जलमल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, मेरा देखो बदन जहूरा हो। अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर, मंदिर माने महल, अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर, ये भोग हमको सूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झिलमिल देही नूरा हो। कहे कबीर सुनोरी माया, कहे कबीर सुनोरी माया, तुम कुटल नजर क्यों घूरा हो। जिन भोगी सोए कल रोगी, जिन भोगी सोए कल रोगी, वो होगे धूरम धूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झलमल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से,
माया कहे कबीर पुरुष से मैं हूं जग से दूरा हो, कि मैं ऐसे स्थान पर रहती हूं मुझे कोई नहीं देख सकता वहां पर। माया कहे कबीर पुरुष से मैं हूं जग से दूरा हो, मैं तुम्हारी पटरानी दासी, मैं तुम्हारी पटरानी दासी, मैं रखूं पलक हजूरा हो, काशी में कीर्ति कर चले वो झलमल देही नूरा हो। कहे कबीर सुनोरी माया तुम हो लड्डू बूरा हो, कहे कबीर सुनोरी माया तुम हो लड्डू बूरा हो, जो तुझे खावे वो मर जावे, जो तुझे खावे वो बह जावे, तास अकल के कूरा वो, काशी में कीर्ति कर चाले वो झलमल देही नूरा हो। श्वेत मुकुट जहां सफेद छत्र है, परमात्मा कहते हैं कि माया तो बूर का लड्डू है, बूर का लकड़ी के बूर से बनाया हुआ लड्डू शीशे के बर्तन में रख दे, इतना बढ़िया दिखर खाओ जो पता चल रहा है कितना का आनंद था। कहते तो उस बूर का लड्डू है, हर मूर्ख खावत ने तेरे को मूर्ख टच करेगा। कहे कबीर सुनोरी माया तुम हो लड्डू बूरा हो, जो तुझे खावे सो बह जावे, तास अकल के कूरा वो, काशी में कीर्ति कर चाले वो जल मिल दे ही नूरा हो। परमात्मा क्या बताते हैं, मेरा श्वेत मुकुट और श्वेत छत्र है, जा बाजे अनहद तूरा हो, दास गरीब कहे सुन माया हमसे रही दूरा वो, काशी में कीर्ति कर चले वो झलमल दे ही नूरा हो। 120 वर्ष की आयु थी परमात्मा की उस समय, 120 वर्ष, और 120 वर्ष की आयु में 200 किलोमीटर पैदल चल कर गए, तो कहने का भाव ये है हर एक बात से पता चलेगा वो क्या थे। तो जब उन्होंने ये पता लगा, बिजली खां पठान को पता लगा कि गुरुजी यहाँ आ रहे हैं और यहाँ अपना शरीर छोड़ेंगे, और उधर से वीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश को पता चला कि गुरुजी वहाँ जा रहे हैं अपना अंतिम सफ़र करने के लिए इस शरीर का, यानी वहाँ शरीर छोड़ेंगे। तो वीरदेव सिंह बघेल ने काशी के नरेश, वो हिंदू था और बिजली खां पठान जो है वो मुसलमान था, तो यहाँ के हिंदू जो शिष्य थे कबीर साहब के इंक्लूडिंग वीरदेव सिंह बघेल, इन्होंने स्कीम बना ली कि वहाँ मुसलमानों का अक्षेत्र है और वो गुरुजी की बिरानमाटी करेंगे, ज़मीन में दबेंगे और मुसलमान रीति से वो इनका अंतिम संस्कार करेंगे, ये हम नहीं देख सकेंगे, हम अपनी रीति से उसका संस्कार करेंगे और सबको यहाँ लाएंगे बनारस में, यदि सीधे हाथों बिजली खान नहीं मानेगा तो युद्ध करके लाएंगे। इस उद्देश्य से सेना साथ ले ली और वो से दर्शकों की तो कण है ना कितने चाल पड़े। बिजली खां पठान को पता चला, सबकी व्यवस्था की, परमात्मा पहुंच गए तो बिजली खां पठान ने कहा कि भगवान यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए ये है कि यहाँ कोई जल नहीं है और आदमी गणे आगे, चारों तरफ से दर्शक भी आगे हैं, इनके नहाने और धोने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, बाहर से कुछ जल मंगा रखा है, केवल पीने पीने की व्यवस्था हम कर पाए हैं। परमात्मा ने कहा कि मैं पहले बहते जल में स्नान करूँगा और फिर मैं शरीर छोड़ूंगा। बिजली खां पठान ने बताया कि महाराज यहाँ साथ में भगवान एक आमी नदी बह रही है, बहा करती थी अब सूखी पड़ी है, भगवान शंकर ने इसको श्राप दे रखा है, इसमें जल एकदम खत्म हो गया, हम भी बड़े दुखी हैं। तो परमात्मा ने कहा कि चलो मैं चलता हूँ, दिखाओ मुझे कहाँ है। जिस स्थान पर परमात्मा ने शरीर छोड़ने का निर्णय किया था उससे 400-200 फुट 300-400 फुट की दूरी पर वो दरिया खाली पड़ी थी, तो परमात्मा वहाँ चले साथ में सब दर्शक, और कबीर साहब वहाँ देखकर किनारे पर खड़े हो गए, खड़ा होकर के ऐसे इशारा कर दिया
जैसे ट्रैफिक का सिपाही ऐसे हाथ कर देता और सारी ट्रैफिक भाग लेती है, परमात्मा ने ऐसे इशारा किया था और काफ़ी दूरी पर उस दरिया में एक ऐसा धमाका हुआ जैसे कोई पत्थर फटा हो, कोई बम फटा हो, और एकदम पानी का फवारा निकला और पूरी दरिया भर के और बहन लागी। ऐसा निर्मल जल सतलोक से भेजा भगवान ने, वो तो बहाना था, खुड़के दुड़के गाते। तो फिर सब ने स्नान किया और नहाए धोए। परमात्मा ने कहा कि भाई बिजली खां पठान, एक चादर नीचे बचाओ, इस पर लेटूंगा, एक चादर में ऊपर ओढ़ूंगा। तो परमात्मा के लिए एक चादर बछा दी, उसके ऊपर सुगंधित फूल डाल दिए एक एक इंच मोटे कि गुरु जी इस पर लेटेंगे। तो परमेश्वर ने पूछा कि बिजली खां पठान, क्यों बिजली खां पठान, मुसलमान भी अपनी सेना ला कर खड़े कर रहे 100 फुट की दूरी पे, और वीरदेव सिंह बघेल काशी का हिंदू राजा, वो भी 100 फुट दूसरी साइड में पूरी सेना की सतर्क खड़ी अपने हथियार में जकड़े हुए, और दर्शक बीच में बैठे। परमात्मा ने पूछा, दोनों बिजली खां पठान और वीरदेव सिंह बघेल सामने खड़े आपस में गुरु जी के पास में। परमात्मा ने उनकी तरफ नज़र करके कहा कि भाई ये सेना किस लिए लाए हो तुम दोनों? दोनों शर्मा गए, नीचे को गर्दन कर ली, बोले नहीं। तो दूसरे लोग होते हैं हिंदू मुसलमान, तो मुसलमान कहने लगे, जी आपकी मृत्यु के उपरांत हम आपके सबका अंतिम संस्कार मुसलमान रीति से करेंगे, अगर ये हिंदू नहीं मानेंगे तो हम इनके साथ युद्ध करेंगे। हिंदू कहने लगे, हम इनको मुसलमान रीति से ये अंतिम संस्कार आपका नहीं करने देंगे, और ये नहीं मानेंगे तो सेना इसीलिए ला रखी है कि हम युद्ध करके जबरदस्ती ले जाएंगे। पुणात्माओं, उस समय भविष्य वक्ताओं ने ये भविष्यवाणी कर रखी थी कि इस वर्ष में एक भयंकर ग्रह युद्ध छिड़ेगा और बहुत जन हानि होगी। अब परमात्मा ने वो कर टालना था, यदि मालिक समर्थ ना होते तो लड़का मर जाते, हिंदू और मुसलमान कत्लेआम हो जाता। परमात्मा ने कहा कि खबरदार, जब तुमने जरा सा भी झगड़ा किया, जब तुमने झगड़ा किया, दोनों को 3 तलाक, हिंदू और मुसलमानों को 3 तलाक मेरा। फिर भी सुन लो, मेरे शरीर को चाहे 2 भागों में बांट लेना बेटा, तुम लड़ियो ना, मेरा काला मुंह हो जाएगा। अब वो ऊपर से तो सब हाँ भर रहे थे, अब ठीक है जी, लेकिन अंदर से ये था कि एक बार शरीर छोड़ दें गुरु जी, फिर हम आप देख लेंगे। अब वो तो अंतर्यामी थे, सारे जाने थे इनमें केक को बदबरी पड़ी है, एक चादर नीचे बिछी थी, लेट गिर एक ऊपर ओढ़ ली। कुछ देर के, कुछ ही सेकंड के बाद परमात्मा ने ऊपर आकाश में जा रहे थे, सह शरीर जा रहे थे, वहां से आकाशवाणी की कि भाई उठा लो चादर, हटा दो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। इतनी जोर की आवाज आई, गुरुजी की आवाज, ऊपर देखा सबने कि वहां परमात्मा तो वो जा रहे हैं, कितना तेज शरीर है उनका। और चादर उठा के देखा, जितना शरीर था उतने सुगंधित फूल बन गए उस मालिक के पूरी, वो तो मालिक लीला थी, सह शरीर चले गए। अपने आत्माओं, कहा तो वह कतलेआम होना था, और कहा वो हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से नो लिपट कर रो रहे हैं, जैसे किसी की माँ मर जा, पिता मर जा, कट्ठे दोनों ऐसे रो रहे थे बिलख बिलख के, और पछता रहे थे अपने उस अज्ञान सोच को, रो रहे थे कि हम पहचान नहीं सके तो खुद अल्लाह आए थे, रो रहे थे बुरी तरह कि हमने बहुत बुरा किया, हमने कभी सुख अंतिम समय में भी सुख ना दिया अपने मालिक को, अंत में भी उनको इतना तंग कर दिया। तो उन्होंने बिजली खां पठान ने कहा कि भाई एक चादर आप ले लो, एक हम ले लेते, आधे फूल आप ले लो, आधे हम ले लेते, बड़ी दया करी दाता ने, क्योंकि हम तो समझ के कुछ ही नादान मुसलमान और हिंदू हैं, ये बकवाद कर सकते, तो आधे आधे बांट के।
वहीं पर 100 फुट का फैसला है, इधर हिंदुओं ने बना रखी है अपनी यादगार भगवान की, इधर मुसलमानों ने, वो आज भी विद्यमान है और हम उसका चित्र भी लाए हैं, आपको दिखा भी था, दिखाते हैं। ये तो है मुसलमानों वाली यादगार, इसमें थोड़ा सा क्षेत्रावंद इसके अंदर भी जाकर आए थे, और इधर ये गेट है मुसलमानों का, और इसकी आड़ में इस साइड में एक और गेट है वो हिंदुओं के लिए है, और ये जो यादगार है ये हिंदुओं ने बना रखी है, और इनके बीच में ये गेट है सामूहिक आने जाने का आपस में, ये रहा। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है हिंदू और मुसलमानों का आपस में, आज तक वहाँ का कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। ये यादगार आज भी विद्यमान है, उस परम पिता के सशरीर जाने की ये यादगार है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। अपनात्मा बिजली खां पठान ने 500 बीघा जमीन हिंदुओं की यादगार के नाम दे दी वहीं पर, और 500 बीघा दे दी मुसलमानों को, जहां पर कबीर पंथ का एक वहां आचार्य महंत रहता है, दास वहां देख कर आया है, और काशी चौरा के अंतर्गत उसका प्रबंधन है। तो पुण्यात्माओं, अभी तक जो ये धारणाएं गलत थी हमारी भगवान के विषय में, अब इन सत्संगों से आपकी क्लियर हो जाएगी, ये यथार्थ ज्ञान है। क्योंकि अभी तक हम लोक वेद सुना करते थे कि कबीर साहब एक दुल्हा थे, दानक थे, कहीं पढ़े मिले थे, विधवा ब्राह्मणी का हुए थे, हमने कुछ भी सिर पैर परमात्मा का नहीं पता था। तो आंखों देखा उन संतों ने बताया है, और साथ में हमारे सदग्रंथों ने प्रमाण किया है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमात्मा है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहारे, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। तो धन्य भाग आपके पुण्यात्माओं, आपको यह अमर कथा, अमर पुरुष की सत्यनारायण की कथा सुनने को मिली। धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। बोलो सतगुरुदेव की। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? डॉक्टर जय नारायण चौधरी उर्फ जय नारायण दास। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं मधुबनी जिला बिहार से। क्या काम करते हैं आप? मैं मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? उसका मुख्य कारण था मेरी लड़की की बीमारी। उस लड़की के इलाज में बहुत सारी जगहों तक मैं भटकता गया, उसके परिवार वाले भी भटकते गए, लाखों लाख रुपए खर्च हुए, बहुत सारे भूत प्रेत के जो देखने वाले लोग हैं वो लोग भी देखते गए, किसी तरीके से कोई इलाज नहीं हो पाया, उसको शांति नहीं मिली। हॉस्पिटल में ले जाते थे तो डॉक्टर लोग कहीं सीटी स्कैन कराता, कहीं कुछ होता, कोई टेस्ट कराता, फाइंडिंग में कुछ आता नहीं था। भूत प्रेत वाले यहाँ ले जाते थे तो वो लोग कहता था जो है तो, लेकिन हम लोग ठीक नहीं कर सकते। और इस तरीके से होते होते कितने सारे डॉक्टर और कितने सारे वैसे लोगों के पास भटकते भटकते कहीं कोई सहारा नहीं मिला। अंत में बंगाल में वो रहती है वैसे, तो बंगाल से मैं बिहार ले आया, वहाँ डॉक्टरों को दिखाया, 106 भूत प्रेत को ठीक करने वाले लोगों की बुलाहट मेरे यहाँ हुई। ऐसे ऐसे लोग भी आए
जो ठीक करने के लिए 1,00,000 रुपये मांगा। मैं कहा आप लोग ठीक कर दीजिए, मैं आपको चेक काट के 1,00,000 का दे दूंगा। लेकिन वो लोग भी नहीं ठीक कर पाए। फिर 50,000 वाले आए, एक 5,000 वाली पार्टी आई, लेकिन उन लोगों से कुछ नहीं हो पाया। ऐसे करते करते बहुत सारे डॉक्टर को भी दिखलाए। उसको सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन था जो अगर मॉर्निंग में उसको राइट साइड में पेन होता फ्रॉम हेड टू टो, तो इवनिंग में उसको होता था लेफ्ट साइड में। और इस तरीके की स्थिति थी जिससे मालूम पड़ता था कि इसको कोई दांत से काट रहा है, और वहाँ मांस उठ जाता था। वो बहुत ज़्यादा बेतहाशा चिल्लाती थी और बार बार यही प्रार्थना करती परमात्मा से, जो अब इसके लिए मुझे मौत ही दे दो, दूसरा कोई सहारा मेरे लिए अब जीने का नहीं रह गया है। सभी जगह से हम लोग निराश हो गए। उसके बाद लोगों के कहने से, जो डॉक्टर साहब आप अपने स्वयं डॉक्टर हैं लेकिन अपने पेशेंट को आप समुचित ढंग से नहीं इलाज कर सकते हैं, माया बस, आप दिल्ली ले जाइए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में दिखलाइए। वहाँ से हम लोग दिल्ली आए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का नंबर ज़रा लेंदी था, मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में ले गया, वहाँ न्यूरोफिजिशियन से दिखाया। वो लोग जो है सो MRI, विटामिन डेफिशिएंसी B12, कैल्शियम D3 डेफिशिएंसी, इस तरीके का 10,000 का टेस्ट लिखा। तीसरे दिन रिपोर्ट मिला, उसमें कुछ भी नहीं मिला। वो डॉक्टर जब हम लोग तीसरे दिन उसके पास में गए तो सीधे हाथ जोड़ लेता है, कहता है ये मेरे बस से फाजिल की चीज़ है, अब इसके लिए कोई दूसरा सहारा आप ढूंढें। उसके बाद दिल्ली में कुछ आदमी कहा, जो आप बालाजी मेहदीपुर ले जाइए, वहाँ आपकी लड़की की बीमारी का पूरा इलाज हो जाएगा, किसी भी कारण से कुछ होगा वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद हमारे रिलेटिव को वहाँ AC कार है, हम लोग उसी कार से मेहदीपुर गए। वहाँ बड़ी लंबी भीड़ थी, बड़ी लंबी कतार वहाँ लगी हुई थी, लगभग 25-30,000 लोग थे। हम लोग सोचे जो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो VIP कोटे में जाकर के हम लोग गए। उसमें इस तरीके की व्यवस्था है, जो हनुमान जी और एक प्रेत दोनों एक कोठरी में रहते हैं, और वहाँ जो भूत प्रेत का कोई ऐसा पेशेंट पहुँचता है तो वो खिलाने लगती है, वो बोलने लगती है जो मैं कौन हूँ, किस कारण से इसको पकड़े हुआ हूँ, लेकिन मेरी लड़की के शरीर का कुछ भी हिस्सा, कुछ भी हिल डोल कुछ नहीं हुआ। वहाँ से निराश होकर के फिर आ गए, मुसलमानों के मदार पर ले गया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। और इस दरमियान हम लोग उसको 500 बोतल पानी चढ़ाए थे 4-5 महीने में, 1500 इंजेक्शंस लगे थे, और ऐसा इंजेक्शंस लगा था जिसमें एक इंजेक्शन के एफिकेसी का पीरियड है उसको 8 आवर्स। अगर कैंसर पेशेंट को हम लोग एक इंजेक्शन दे देते हैं तो 8 घंटे तक निश्चिंत होकर के सोता है, लेकिन वैसा इंजेक्शन उसके साथ साथ 8 पड़ते थे और आंख भी नहीं झपकती थी। 8,00,000 रुपये लगभग हम लोग उसके इलाज में और देवी देवताओं के चक्कर में खर्च कर चुके थे। एक रोज़ हम लोग दिल्ली से कार से यहाँ आए, सत्संग चल रहा था, लड़की को भी नाम उपदेश दिलाया, मैं भी नाम उपदेश ले लिया, और गुरु महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए जब हम लोग आए, यही 7 जगह है, इसी में हम लोग आए, कारण उसकी चिल्लाहट बढ़ रही थी। कुछ महिला सेवादारनी के साथ वो भी लाई गई और मैं यहाँ खड़ा था। गुरु महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जब रागिनी को देखे तो बिना नाम पूछे हुए कहते हैं, रागिनी
तुम्हें काल पकड़ लिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी तुमको ठीक नहीं कर सकते, दुर्गा तुमको ठीक नहीं कर सकती, परमात्मा ही तेरी बीमारी का इलाज करेंगे और तुम ठीक हो जाओगी। अब बेटिया तुम फिक्र मत करो। और इतना कहने के बाद गुरु महाराज जी उसे चरणामृत दे दिए अपने हाथ से। और फिर उसके बाद जहाँ मैं खड़ा था, मैं प्रार्थना करने के लिए खड़ा हो गया, कहा गुरु महाराज जी मेरी बच्चिया आई है, बहुत जगहों से घूम करके आई है, कोई सहारा इसको नहीं मिल रहा है, आप इस पर कृपा करें। गुरु महाराज कहते हैं हाँ हाँ रागिनी उसका नाम है, उसको मैं आशीर्वाद दे दिया हूँ, परमात्मा की भक्ति करेगी और बीमारी ठीक हो जाएगी। और यही हुआ। उसी समय से उसके शरीर का पूरा दर्द समाप्त हो गया। बंगाल में दिखाए, बिहार में दिखाए, दिल्ली दिखाए, राजस्थान दिखाए, अंत में हरियाणा सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी के माध्यम से इसका सही इलाज हो पाया। और जादू की तरह असर हुआ। जादू भी इससे हम समझते हैं कुछ लेट में असर करेगा, जिससे कुछ मिनट जब तक वो मंत्र पढ़ेगा, कुछ छड़ी घुमाएगा, तब कहीं असर करे। यहाँ तो गुरु महाराज जी आशीर्वाद दिए और उसका कष्ट तत्क्षण समाप्त हो गया। वो लड़की अभी तक स्वस्थ है, दुरुस्त है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? शुरू शुरू में मैं भगवान शंकर की पूजा किया करता था, मैं जब बहुत छोटा था। उसके बाद 14 नवंबर 1984 को बाल योगेश्वर से दीक्षा प्राप्त किया। 28 वर्षों तक मैं लगातार उनका शिष्य बना रहा। कहते तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वास्तविक मुझे आंतरिक अनुभव नहीं हुआ। सुनाया करते थे जो परमात्मा निराकार हैं, गीता का श्लोक सुनाया करते थे, जो नौ वेदैर न तपसा नौ दानेन चज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टमान सीमांग जथा, उसको तो तुम देख नहीं सकते हो, अनुभव कर सकते हो। और जिस चीज को अनुभव कराते थे, जब मैं बीजक में कभी कभी पढ़ता था तो वहां का वर्णन कुछ और मिलता था और इन लोगों के कहने का वर्णन कुछ और था, तो मुझे इस तरीके की स्थिति महसूस हुई जो मैं बुरी तरीके से ठगा जा रहा हूं। मैं 8 वर्षों से केंद्र सहायक था, मेरे चलते बहुत सारे लोग उनके शिष्य हो गए, मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। किया तो मैं 28 वर्ष तक उसका अभ्यास, लेकिन जिस स्टेज से मैं शुरू किया था, जहां से मेरी यात्रा शुरू हुई थी आध्यात्मिक यात्रा, जब तक मैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं आए थे, तब तक मैं वहीं रुका था जहां से मेरी यात्रा शुरू हुई थी। कोई आध्यात्मिक लाभ तो नहीं मिला, उल्टे इतनी परेशानी मुझे हुई, जिस परेशानी का मैं वर्णन करने लगूं तो किताब लिख दी जाएगी। सतगुरु का काम होता है जो आफत से भी बचाए, शरीर रक्षा करे, बीमारी से भी दूर करे, आफत में सहारा हो, आर्थिक लाभ भी दे समय पर,
और वो निरोग काया लेकर के सारा काम करे संसार में। अब परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी मिले, मुझमें स्थिरता आना शुरू हो गई। अब जो मैं ग्रंथ पढ़ता हूँ तो महसूस होता है जो ये वास्तविक गीता का जो ज्ञान है और सतलोक की प्राप्ति, वो सतगुरु के माध्यम से कैसे संभव हो पाएगा, वो रास्ता मुझे सुलभ हुआ और मैं बड़े निश्चिंत होकर के बड़े शांत चित्त से मैं सुमिरन करता हूँ। और जब कभी गहरी नज़र गीता में या आध्यात्मिक ज्ञान गंगा पढ़ता हूँ तो अब मुझे वर्ड बाय वर्ड समझ में आता है और मेरे कारण बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं और इसका मुख्य कारण है जो मैं वहाँ का प्रैक्टिशनर हूँ, 40 वर्षों से प्रैक्टिस करता हूँ। उससे पहले मैं एयरफोर्स में था, 4 मेडल भारत सरकार मुझे बांग्लादेश लिबरेशन के टाइम में मिला, ये इन्फ्लुएंस भी समाज में है। दूसरा इन्फ्लुएंस ये डॉक्टरी के कारण है, मैं बीए एमएस पास किया, उसके बाद एमडी पास किया, उसके बाद एफआईसीए यूएसए से लिया। एफआईसीए का फुल फॉर्म होता है फेलो ऑफ द इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी मीन्स डॉक्ट्रिन कंसर्निंग वास्कुलर सिस्टम, नारी संस्थान। अब प्रतिष्ठा वहाँ इस तरीके की बनी हुई है जो मेरी बात पर लोग यकीन करता है। मेरी लड़की की जो बीमारी थी उसका असर लाखों लाख लोगों के दिमाग में है, जो किसी तरीके से डॉक्टर साहब की लड़की का इलाज नहीं हो पाया, बंगाल में दिखाए, बिहार में दिखाए, दिल्ली दिखाए, राजस्थान दिखाए, अंत में हरियाणा सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी वहाँ रहते हैं उनके माध्यम से इसका सही इलाज हो पाया और जादू की तरह असर हुआ। जादू भी इससे हम समझते हैं कुछ लेट में असर करेगा, जिससे कुछ मिनट जब तक वो मंत्र पढ़ेगा, कुछ छड़ी घुमाएगा तब कहीं असर करे। यहाँ तो गुरु महाराज जी आशीर्वाद दिए और उसका कष्ट तत्क्षण समाप्त हो गया। और मैं हृदय से गुरु महाराज जी को मैं कितना कितना धन्यवाद दूं, वो तो हमारे गुरु महाराज जी हैं, परमात्मा हैं, सब कुछ हैं। और मैं और एक बात कह देना चाहता हूं, गुरु महाराज जी लाखों लाख उनके शिष्य होंगे लेकिन मुझे नाम भी जान मेरा नाम भी जानते हैं और बिना प्रार्थना किए हुए मुझसे ज़्यादा कदा पूछ दिए देते हैं जो कहो कैसा समाचार है, बेटिया का क्या समाचार है। उसके बाद अभी तक वो बहुत ठीक हाल में है। वास्तविक उसकी बीमारी का शुरुआत लगभग 10-12 बरस पहले हुआ लेकिन हम लोग उसको सही ढंग से डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। कभी अपेंडिक्स में दर्द हुआ तो उसको अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन करा दिए, गॉल ब्लैडर में पेन हुआ तो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करा दिए, जब कहीं एब्डोमल एरिया के निचले हिस्से में दर्द हुआ तो किसी गायनकोलॉजिस्ट से दिखा दिया, सर दर्द हुआ तो न्यूरोफिजिशियन से दिखा दिया और सारे टेस्ट होते गए, होते होते अंत में कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकला और हम लोगों के रुपये खर्च होते गए। और सारे होते होते में भी एक ऐसा स्थान हम लोगों को मिला जहां एक पैसे भी नहीं लगे, मुफ्त में भोजन मिला, मुफ्त में रहने की व्यवस्था हुई और
ऐसा प्यार मिला जो इसको मैं शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। ऐसे तो मुझे कोई संबंधी भी हम लोगों से इतने अपनापन के साथ वो लोग नहीं बातचीत करते हैं जितने अपनापन के साथ गुरु महाराज जी सहृदयता पूर्वक हम लोगों से बातचीत करते हैं। और मैं बहुत बहुत गुरु महाराज जी का आभारी हूँ, ये मेरा जीवन कल्याण हो रहा है। अब ये परिस्थिति जो मेरी लड़की के साथ हुई है, इस सबों के हृदय में दया की भावना उत्पन्न हो गई। मेरे घर के नज़दीक से रास्ता है, जो कोई भी आदमी उस रास्ते से गुजरता तो यही कान लगा करके सुनता जो क्या रागनी रो तो नहीं रही है, हंस रही है, इसका उम्मीद किसी को नहीं था। लेकिन ये था जो रो तो नहीं रही है डॉक्टर साहब की लड़की, लेकिन आज वही लड़की है जो सारे लोग देख करके इतने प्रसन्न होते हैं। और यहाँ का पता कितने लोग याद कर लिया, आया नहीं है बहुत लोग, लगभग 50 लोग मेरे साथ यहाँ आकर के उपदेश ले लिया, 100 किताब मैं मुफ्त में यहाँ से लोगों के नाम से भेजवा दिया बाय बुक पोस्ट। बहुत प्रसन्न हैं लोग, पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग ये नहीं कह पाते हैं जो डॉक्टर साहब आप कहीं गलत जगह फंस गए। सारे लोग परमात्मा के संबंध में जानना चाहते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आपने भिन्न भिन्न भक्तियाँ की, देवी देवताओं की, और फिर आप बाल योगेश्वर जी की शरण में भी रहे, उनकी बताई हुई भक्ति भी की, और फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में भी आए। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? प्रथम लाभ, मेरे मन में स्थिरता आई। दूसरा लाभ, मेरी लड़की की जो बीमारी थी जिसका इलाज करा करके हम लोग विभिन्न जगहों से, विभिन्न डॉक्टरों से, हॉस्पिटल से, विभिन्न और भूत प्रेत के जानकारों से दिखला करके कहीं भी फायदा नहीं हुआ था, वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से तत्क्षण फायदा हुआ। और इसका जीता जागता उदाहरण मेरी लड़की मेरे बगल में है, अब उसके सेहत को देख लीजिए और उससे दो चार बातें जो पूछनी है उस बीमारी के संबंध में आप स्वयं पूछ सकते हैं। बहन जी, क्या नाम है आप? रागिनी। कहाँ से आए? बिहार से। आपको क्या तकलीफ थी? बहुत बड़ा बीमारी हो गया था। जो आपको पिताजी ने बताया वो सत्य है क्या? हाँ सत्य है। तो आपकी बीमारी कैसे ठीक हुई? यहाँ संत रामपाल जी महाराज के सामने आके बहुत दया किए, इसलिए मैं ठीक हो गई। धन्यवाद बहुत। डॉक्टर साहब, आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने जो वेदों का, पवित्र गीता जी का जो अनुवाद किया है, और वर्तमान के कुछ संस्कृत के विद्वान ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को संस्कृत नहीं आती, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं भी संस्कृत पढ़ा और गीता भी पढ़ना जानता हूँ संस्कृत में, बहुत सारे संस्कृत के ग्रंथ भी पढ़ता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जिस ढंग से गीता का विवेचन किए हैं, शायद इस ढंग से किसी और टीकाकारों ने नहीं किया। मैं विभिन्न टीकाकारों के पुस्तक को मैं पढ़ा, लेकिन टू द पॉइंट जिस तरीके से इनका उत्तर है और इनका अनुवाद है, इस तरीके से किसी भी संस्कृत जानकारों की किताबों में नहीं है।
एक श्लोक है जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे अनुवादक व्रज को आना लिखा, जो मेरी सारे धर्मों को छोड़ करके तुम मेरी शरण में आ जाओ, जबकि व्रज का माने होता है जाना। अब तो ये समझ की बात है, जो जहाँ जाने की बात है वहाँ आना प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। तो इसी से समझा जा सकता है जो दूसरे लोग दूसरे श्लोक सब का भी किस तरीके का अनुवाद किया होगा, और समझदार लोग समझ जा सकते हैं। जो अनुवाद गुरु महाराज जी का है, जिस तरीके की व्याख्या गुरु महाराज जी कर रहे हैं, ये अकाट्य है, भाषा के अनुरूप है, अध्यात्म के अनुरूप है, और ज्ञानियों के लिए एक बहुत अच्छा पथ प्रदर्शन भी है। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को मेरे तरफ से यही संदेश है, जो संत रामपाल जी महाराज एक संत ही रूप में नहीं आए हैं, ये परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हैं। इनकी आज्ञा को शिरोधार्ज करके अपने जीवन को धन्य बनाइए और शाश्वत लोक को प्राप्त कीजिए। धन्यवाद आपका, बहुत बड़ा सा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222880541, 8222880542, 8222880543, 8222880544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।